डोनेशन सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, डोनेशन सर प्लीज, गरीब बच्चों के लिए है प्लीज। ओके ओके। कॉलेज स्टूडेंट? हाँ सर। ओह डोनेशन सर। तुम गाड़ियों के बारे में पूछ रहे थे ना, छिल्ला के आदमी सारी गाड़ियां उठा के ले गए और अब कहते हैं गाड़ियां चाहिए तो उमा को भेज दो। बोलो, भेज दो इसे। आपने पुलिस को बताया? अब ये भी जो यहाँ से गया वो पुलिस वाला ही था। कंप्लेन लिखने के बजाय मुझे चुप रहने को कह के गया। वो चाहता है कि मैं छिल्ला की बात मान लूं और अपनी बेटी को वहाँ भेज दूं। मुझे दलाल समझता है वो। इसी दिन के लिए मैंने अपनी बेटी को पास पोस्ट कर बड़ा किया था। 40 साल से अच्छी तरह जिंदगी काट रहा था और अब सब कुछ बेच दिया। इसके लिए यही अच्छा होगा कि पढ़ाई छोड़ के गाँव चली जाए। एक बिन माँ की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हें क्या पता। अब तो भगवान से भी भरोसा उठ गया है मेरा। यहाँ इतने जुल्म हो रहे हैं फिर भी जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने। ये क्या कर रहे हो? अगर आज आपका बेटा होता तो वो भी यही करता। तुम्हारा ऑटो चाहिए। क्यों? बस चाहिए। लड़की के बाप ने लड़की को एक ऑटो ड्राइवर के साथ भेजा है। उसे चाबियां दे और लड़की को अंदर ले जा। Yeah.
क्यों बे? एक बार तेरा किसी लड़की पे दिल आ जाए तो फिर उसे नहीं छोड़ता ना, और अगर लड़की नहीं आती तो उनकी गाड़ियां छीन लेता है ना। तूने उसके बाप को तो कह दिया, लेकिन उसके भाई से पूछा क्या? अरे चिंटू, स्कूल जा रहे हो? हाँ अंकल। पढ़ाई कैसी चल रही है? छोटे बैग में बड़ी बुक्स ले जाना कोई बच्चों का काम नहीं है। सॉरी भाई। क्या भाई, वन वे में फुल स्पीड से घुसे चले आ रहे हो? तुम ठीक तो हो ना बेटा? यार ये बुढ़ाऊ जानता है कौन हूँ मैं? तुम कौन हो क्या फर्क पड़ता है, रूल सबके लिए एक होते हैं। चुपचाप यहाँ से वटक ले। ए, हद कर रहे हो, शराब पीकर गाड़ी तो चला रहे हो, जबान भी चला रहे हो। ए, जानता है अपन का भाई कौन है? इधर का डॉन है। इस वैन के ड्राइवर ने अपन के भाई से कर्जा लिया था, कर्जा नहीं चुकाया इसलिए अपन उसकी वैन उठा के साथ ले आया। अरे लेकिन बच्चों को तो उतार दो। एक कदम आगे आया तो आर पार कर दूंगा। उन मासूमों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? चिंटू, ए, अब ये कहाँ चला गया, इसका क्या करूं मैं? ए, क्या रे, मेरा पीछा काय को कर रहा है? खुद को भाई समझता है? ए, कौन है ये? सर्कल पर मेरे साथ शाना बन रहा था, मैंने आपका नाम भी बोला, मुझे लगा चुपचाप निकल लेगा, लेकिन ये तो पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। अपुन का नाम सुनने के बाद भी ये यहाँ तक पहुँच गया? ला दे रे, रुक मैं तेरी सारी चर्बी निकालता हूँ। रुकिए सर, रुकिए, टाइम प्लीज, जरा हटना, जरा देखने दो। ए, ये मुर्गी की तरह क्या इधर उधर देख रहे? देख रहा हूँ वो क्या तोड़ फोड़ के यहाँ आएगा। कौन रे मामू? रैम्बो। क्या रैम्बो? हाँ रैम्बो, मैं तो एक साधारण मिडिल क्लास आदमी हूँ, ट्रेन का मामूली ड्राइवर, इतनी बड़ी ट्रेन को जहाँ चाहूँ वहाँ रोक सकता हूँ, लेकिन मेरा एक प्यारा सा बेटा है और उसे तो मैं भी नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो वो चल नहीं पाता। ए, लंबी लंबी मत छोड़, तेरे को उसके ऊपर बहुत घमंड है। अरे तो क्यों नहीं होगा, हर बाप को अपनी औलाद पर घमंड होता है, और मैंने तो एक शेर पैदा किया है, जंगल का राजा। ऐसा तो चल देखते तुझे आज यहाँ से कौन सा रैम्बो बचा के लेके जाता है। ए, बच्चे लोग को और इसको सबको अंदर बंद करते। सब रो रहे हैं और तू हंस रहा है। अरे बुद्धू, रोएंगे तो ये लोग जब रैम्बो आएगा। यहाँ रैम्बो आएगा? यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। इन सब के लिए तो रैम्बो अकेला ही काफी है। जब रैम्बो को गुस्सा आता है ना, क्या होता है? आंखें चौड़ी, पंजे खुले, फुल स्पीड उछल के वो अपने पंजे मारता है। बुजुर्गों पर हाथ उठे तो पाप होता है, अगर हाथ उठे तो सिर्फ उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए उठे, कॉलर पकड़ने के लिए नहीं। मेरी एरिया में आकर तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, जानता है कालू भाई की एरिया से कोई जिंदा बच के नहीं जाता है। कालू, मौत का डर जाके उसे दिखाना जो मौत से डरता है,
मैं तो सुबह घर से कफन बांध के निकलता हूँ। तू कफन बांध के निकलता है तो मैं भी टीका लगा कर निकलता हूँ। तेरे सर के एक एक बाल नहीं नोच लिए तो इस एरिया का राजा नहीं मैं। तू जैसे बड़े बड़े राजा यहाँ खाक हो गए। तू किस खेत की कच्चा लींबू समझ के आज तुझे छोड़ रहा हूँ। सुधर जा, बड़ों की इज्जत करना सीख, छोटों को प्यार दे, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आना शुरू कर, वरना मारा जाएगा। तू किसको भाषण दे रहा है कालू भाई को? मैं जो चाहे करूं, जिसे चाहे मारूं। अरे अरे मरेगा क्या, चुप करना। मुन्ना, रैम्बो की सीधी बात भेजे में घुसा ले। जब तेरे जैसा पापी इतने पाप करके बददुआएं लेकर इतनी दूर आ सकता है तो जरा सोच कि मेरे जैसा नेक बंदा इतने लोगों की दुआएं लेकर कौन से लेवल तक जा सकता है। बेटा रैम्बो नहीं। बाप रे,